गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी टेक ब्लॉग्स। अभी हम डिनर में बनाने वाले हैं भिंडी। तो जैसे जैसे हम भिंडी काट के भिंडी फिर बनाएंगे तो उसकी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी। और अभी मैं दिन में टीकरी गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से सर्वाइकल की वजह से तबियत खराब है। तो मुझे किसी ने वहाँ पर एक लेडीज बताई थी जो कि नर्स देखती है और धागा बांधती है सर्वाइकल के लिए। तो मैं भी वो हुआ करी तो मेरे हाथ में जब से नस नस दवाई मतलब तो थोड़ा सा पेन है अभी। तो मतलब जिसको भी मतलब अगर मेरी तरह और भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उनको बता दूँगी दिल्ली के जो आ सकते हैं मतलब। हाँ तो मैं उनको बता दूँगी कि मैंने कहाँ से बनवाया। तो अब जी देखो कि दिक्कत नहीं है, रियल रियल काट रही है क्योंकि हाथ में पेन है ना मेरे नस में, इसलिए वीडियो बना रहा है। हम सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई के अंदर तेल। ये देखिए हमने तेल डाल दिया। अब इसके गरम होने के बाद हम डालेंगे भिंडी फ्राई होने के लिए। ये रही हमारी भिंडी, हमने लंबे लंबे तरीके से काटी है, आप गोल गोल भी काट सकते हैं। अब हम तेल डालने के बाद इसे थोड़ी देर गरम होने देंगे अच्छे से। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें भिंडी डालेंगे। ये अब हम डाल रहे हैं भिंडी क्योंकि हमारा तेल हो चुका है गर्म। ये डाल रही हूँ मैं भिंडी और ये डाल दी मैंने भिंडी इसमें सारी। और अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से ताकि सारी मिक्स हो जाए और जो हमने इसमें तेल डाला था वो सारी भिंडी में अच्छे से रम जाए। और अब हम इसे एक से दो मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे करछी से। अब ये हमारी भिंडी तो हो रही है फ्राई। इसको फ्राई होने में कम से कम आराम से 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। हम सबसे पहले टमाटर काटेंगे क्योंकि हम टमाटर काटना भूल गए थे। तो अभी हमारे टमाटर रहे हैं कट जब तक हमारी भिंडी फ्राई हो रही है क्योंकि इसको भी 10 मिनट लग ही जाता है इस भिंडी को फ्राई में। ये टमाटर कट के हो चुके हैं रेडी और अब हम इसको ढक देंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे धीमी आँच पर ढक के मसाला डालने से पहले। अब इसको बीच में थोड़ा प्लेट हटा के हाथ अलग चलाते रहेंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे मैं इसको चला रही हूँ। अब हमारी भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज अच्छे से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे भिंडी के साथ ताकि कुछ भी प्याज ऐसा ना हो जो भिंडी के साथ मिक्स ना हो रखा हो। और अब प्याज के बाद बारी जाती है इसमें टमाटर की। तो अब हम टमाटर डालेंगे इसमें। ये डाल दिए हमने टमाटर अच्छे से फैला के, इसको भी अच्छे से जैसे प्याज को मिक्स करा था वैसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है तो अब देख लीजिए एक बार आप अच्छे से। और अब बारी आती है हमारे मसालों की जिसमें कि सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी के बाद बारी आती है थोड़ी सी और हल्दी की। पर अब बारी है नमक की। नमक के बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर के अलावा भी अगर आप कोई मसाला जैसे गरम मसाला चाट मसाला कुछ भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। हम मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं खाता है, बाकी आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार कोई भी मसाला। अब मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएँगे सारे मसालों को सब्जियों को सब मिक्स होने तक चलाते रहेंगे जैसे कि मैं हिला रही हूँ इसको। अब अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करने के बाद हम भिंडी को ढक देंगे प्लेट से और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ऐसे इसको पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और बीच में एक दो बार मैंने उठा के करके ऐसे चेक करा था हिला के मतलब सब्जी को ठीक करते हैं। और बीच बीच में हम ऐसे प्लेट उठा के सब्जी को अच्छे से एक बार मिक्स भी कर लेंगे ताकि जो पक गया है वो ऊपर आ जाए भिंडी और जो कच्ची है वो नीचे चली जाए। अब हमारी भिंडी बनके हो चुकी है रेडी। अब करेंगे हम इसको टेस्ट। भिंडी कैसी लगी सुमित? ये तो मैं पूछूंगा तुझसे। अच्छा मतलब मैंने बनाई है मेरे से पूछेगा? अच्छा ही बोलूंगी ना। लुक वाइज देखो और
टेस्ट में बेस्ट। मम्मी और एवरेस्ट। तुम बताओ कैसी लगी, ना कि मैं। सच बोल रहे हो? मेरा तो वैसे भी मुंह आया हुआ है। अरे देखो गाइस मेरी भिंडी मुंह आया हुआ, तो टेस्ट इतना मैं रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, पर अच्छा लगेगा। और आज हम जिनके पास गए थे ना टिकरी वो करवाने, मतलब नसें ठीक करवाने, वहाँ जाके मेरा 80% पेन दूर हो गया। हाथ में हो रहा है भी क्योंकि नस खींची थी उन्होंने, बाकी ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। और ये धागा पे नया उन्होंने उतारना नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, और जिन जिन को मेरी जैसी प्रॉब्लम हो और जो विजिट कर सकते हैं वहाँ पे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर देना कमेंट्स में, मैं उनको बता दूँगी। और बाकी वो कुछ चार्ज नहीं लेती हैं इस चीज़ का। तो चलिए बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और शेयर भी करना सबके साथ। और ब्लॉग्स मैं बनाऊँगी, और कभी कभी जो रेसिपीज डालेंगे वो सुमित बना के डालेगा। ओके सुमित, बाय। ओके बाय।